चलिए दोस्तों बताते हैं अपना जियो पे रिचार्ज ख़त्म होने के बाद अनलिमिटेड डाटा कैसे यूज करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सर्च करना है पसीफोन प्रो। देखिए यहाँ फर्स्ट में मैंने सर्च कर रखा है, आगे उस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाला जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस करेंगे, होम स्टार्ट ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन का ऑप्शन है ना, उसमें क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट सर्वर रीजन, बेस्ट परफॉर्मेंस, ओके। वीपीएन सेटिंग को टर्निंग ऑल ऐप, ठीक है। उसके बाद प्रॉक्सी सेटिंग में जाना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रॉक्सी सेटिंग में आने के बाद इस पर HTTP प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे, कस्टम HTTP हेडर्स पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे ऐड कस्टम HTTP हेडर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें लिखेंगे इंटर हेडर नेम, यहाँ पे लिखेंगे jiojio.com। फिर नीचे वाले में भी वही लिखेंगे jiojio.com, ओके करेंगे। उसके बाद बैक आ जाना है, फिर बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ नीचे स्टार्ट का ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करेंगे। ऐड आएगा, ऐड को हटा देना है। किस किस में टाइम लगता है दोस्तों? 5 मिनट लग जाएगा कभी कभी, कभी कभी जल्दी हो जाएगा, तो थोड़ा वेट करना है आप लोगों को बस। कनेक्ट, हाँ देखिए कनेक्ट हो गया है। इसके बाद इसको बैकग्राउंड में रहने देना है, क्लीन मत करना है, इसको रहने देना है, ठीक है। इस ऐप को रहने देना है, बैकग्राउंड में चलने देना है। उसके बाद आपको जो यूज करना है दोस्तों, यूट्यूब जो करना है वो कर सकते हैं, यूट्यूब वो भी अच्छी क्वालिटी में चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जाओ जो देखना है देखो यार। अगर दोस्तों वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट।